उम्मीद की किरणें दिखाने कौन आएगा, बुलंदी की तरफ मुझको बुलाने कौन आएगा। और आखिरी शेर सच्चा हो तो आपके हाथ खामोश नहीं रहे, मैं पढ़ता हूँ। लगा कर आग अब मुझको जरा ये देखना होगा, लगा कर आग अब मुझको जरा ये देखना होगा, जलाने सब ही आते हैं बुझाने कौन आएगा, जलाने सब ही आते। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आखिरकार वो दिन आ ही गया है जिसके लिए हमने बहुत मेहनत की है कवि सम्मेलन के लिए। आइए हम गार्डन चलते हैं, देखते हैं क्या क्या काम हो गया है और क्या होना बाकी है। तो गार्डन चलते हैं पहले दोस्तों। तो काम चालू हो गया है अपना स्टेज वाला, ये देखिए। और इधर ये सोफे भी साफ हो रहे हैं, बाकी इसी गार्डन में कार्यक्रम होगा। तो अभी बहुत सारे काम है, जल्दी जल्दी करते हैं। आइए तो आप सबको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाते हैं जो खुद में एक प्रभावी नेतृत्व वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने परिचित आदरणीय समीर दादा की। तो कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में उड़ान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे परों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। क्या बात है, पोस्टर भी अच्छा लग रहा है। उल्टन ये घर आके तैयार हो गया हूँ दोस्तों। और कब सम्मेलन भी स्टार्ट हो गया है तो वहाँ चलते हैं, क्योंकि वहाँ होना हमारा जरूरी है, तो वहाँ जल्दी से पहुँचते हैं। विधाओं से आपको प्रफुल्लित करेंगे। देखते हुए दिख रहे हैं उस लाइन पे, तो बोलना चाहूंगा संघर्षों के साय में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। जोरदार तालियों के द्वारा हमारे क्षेत्र के लाल, हमारे बल्ला जी के। तुम्हारे बिना कैसे लड़ाई लड़ूं मैं, तुम्हारे बिना कैसे लड़ाई लड़ूं मैं, तुम्हारे बिना गए छोड़कर तुम किसी मोड़ पर, गए छोड़कर तुम किसी मोड़ पर, खड़ा हूँ अकेला तुम्हारे बिना, खड़ा हूँ अकेला तुम्हारे बिना। हमें बिंद में हनुमाना चर्चित है प्रसिद्ध, क्या बात। हमें बिंद में हनुमाना चर्चित है प्रसिद्ध, बहुत जगह इच्छा स्थिति आई कि बहुत कुछ देखा के मिला। स्कूल मास्टर पढ़ावत रहा, एक लड़का का खड़ा करी कहीं पे जाए, बताओ 10-10 कितना होता है। लड़का कहीं 30, कहीं क्या बात है, दबा दबा के बैठ गया। हम खड़े, हम कहें मास्टर साहब ये 10-10-30 का बता रहा है, कहीं मांगना की हूं जानू थी भैया। परसों नर्सों तक 50 बतावत रहा, धीरे धीरे लाइन में आ रहा है। हमका फोटो से तकलीफ नहीं आ, हमका दिक्कत कर होती जब यह फोटो का पेपर न छपवाई। विश्वास मान ले कुछ अच्छा घटना भरे के हमका तकलीफ होला। अगर हमारे मान ले फोटो अपना खींचा का पेपर में निकलवाओ, पेपर अपना पंचन के घरे आई, दो चार दिन पेपर रखा, चार दिन बाद कबाड़ी गई पेपर ले गई, ले जाके कौनो किराना के दुकान में, कौनो हलवाई के दुकान में दे। मान रही हमार वाली फोटो छपी वो पेपर चला गया हलवाई के दुकान में, अपना बच्चे जा गरम गरम जलेबी निकाल के हलवाई वही पेपर में दे, जलेबी खा ले, पेपर सड़क में फेंक दे, उमा खीरा लगा रही, कुकू रही खीरा के चाची, वही हमारा फोटो रही हमारा।
तो मैं हनुमाना का, मेरा मित्र भदोही का, उसका मित्र जौनपुर का, तीनों लोग का बैठे चाय पी रहे थे। तो भदोही वाले ने चाय पी कब तोड़ा, कहा भाई मैं जिस कप में एक बार चाय पी लेता हूँ दोबारा नहीं पीता, ये बॉस ठीक। और इनका ठीक है आप बॉस है। जौनपुर वाला था, उसने चाय पी कब तोड़ा, जिस कुर्सी पे बैठा था वो कुर्सी तोड़ी, बोला जिस कुर्सी पे एक बार चाय पी लेता हूँ दोबारा नहीं पीता। अब मैं हनुमाना का अब प्लस मऊगल जिला बन गया है और रहा, तो मैं चाय खत्म होते ही पहले कब तोड़ा, उठा डंडा उठाया कुर्सी तोड़ा, उसके बाद उसी डंडे से उन दोनों को तोड़ा, बोला जिसके साथ बैठ के एक बार चाय पी लेता हूँ तो चाय नहीं पीता। हमारे सुर में घर जो सुर तुम्हारा नहीं गया होता, अगर पंक्ति हृदय तक पहुंच रहे होंगे तो मुझे आशीर्वाद जरूर दे दिया, मेरी समझ में भी है कि भाई हाँ पंक्तियां आकर पहुंच रहे हैं कि इस टूटे हुए दिल को सहारा मिल गया होता, हमारे सुर में दर जो सुर तुम्हारा मिल गया होता, मिला थे हम जो पिछली बार तो झगड़े थे जी भर के, मिले थे जो पिछली बार तो झगड़े थे जी भर के, इशक करते तुझे कर तू दोबारा मिल गया होता, इशक करते तुझे कर तू दोबारा मिल गया होता। मुझे उम्मीद की किरने दिखाने कौन आएगा, बुलंदी की तरफ मुझको बुलाने कौन आएगा। और आखिरी शेर सच्चा हो तो आपके हाथ खामोश नहीं रहे, मैं पढ़ता हूँ। लगाकर आग अब मुझको जरा ये देखना होगा, लगाकर आग अब मुझको जरा ये देखना होगा, जलाने सब ही आते हैं बुझाने कौन आएगा, जलाने सब ही आते हैं बुझाने सचिन बता देता हूं। और आगे मुझे अपनापन सा महसूस हुआ, जहाँ कवि सम्मेलन में अंकुश बिया गए हुए थे, वो डाकुओं ने आयोजित किया था, तो अंकुश बिया गए खूब रात पढ़ा, दो तीन बजे तक पढ़ लिया, उसके बाद उनको वहां से कुछ पैसे वैसे मिले, लिफाफा मिला, लेके जब सुबह को वो निकले तो रास्ते में उन्हीं डाकुओं ने उनको रोक लिया, तो अंकुश बिया को अंकुश बिया ने सोचा कि शायद एक लिफाफा और थमा देंगे, तो रोक लिया। तो मुझे बोले अब भैया कुछ बाकी रह गया, कहा बाकी रह गया, कल जो दिया था वो लेने आए, कहा तो दिया क्यों था, कहा कि कल आप हमारे आयोजन में आए थे और ये हमारा कारोबार है, कल आप हमारे आयोजन में आए थे और ये हमारा कारोबार है, और मौका मिलना चाहिए। तो चूंकि माए दुनिया में नहीं, वो दादा इस शेर को समझ पाएंगे। वो तंदू बिस्तर निशानी हुई वो संदूक बिस्तर निशानी हुई माँ, नयन पोछ दो अब के पानी हुई माँ, वो संदूक बिस्तर निशानी हुई माँ, नयन पोछ दो अब के पानी हुई माँ, फकत नाचता है वो आंखों में चेहरा, फकत नाचता है वो आंखों में चेहरा, कहानी 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 हुई माँ, कहानी कहानी का। धन्यवाद। बड़ी है यार तो आगे निकल जाता है, मजे लीजिएगा, आनंद से बैठिएगा। हमारे रामलखन दादा बैठे हुए हैं, 10 साल पहले हमारे मैहर के कवि सम्मेलन में आए थे, तब मैंने दादा से पूछा था कि आपकी उम्र कितनी हो गई, बोले 50 साल। 5 साल पहले मऊगंज के कवि सम्मेलन में मिले, वहां मैंने पूछा दादा आपकी उम्र कितनी हो गई, बोले 50 साल। आज भी भोजन करते समय मैं पूछा आदरणीय आपकी उम्र कितनी हो गई, बोले 50 साल। मैंने कहा 10 साल से 50 साल बता रहे हैं, बोले ठाकुर की जुबान है, एक
बड़े मस्त लोग हैं हरमाना के, बड़े शानदार लोग हैं। अभी आदमी रीवा में देखा कि सड़क किनारे दो सड़क किनारे दो खोपड़ी पड़ी हुई थी और एक कुत्ता चाट रहा था और एक ही खोपड़ी को लगातार चाट रहा था। तो हमने पूछा, भाई साहब आप एक ही खोपड़ी को बड़ी देर से चाटे जा रहे हो, दूसरी की ओर भी ध्यान दो। कुत्ते ने कहा, देखिए आदरणीय, ये जो दूसरी खोपड़ी है शिक्षक की खोपड़ी है जिसे बच्चे पहले चाट चुके हैं। बड़े मजेदार लोग आज छाई है, जग भर में है बेटियां, सरहदों के दीपंकर में है बेटियां, आज छाई है जग भर में है बेटियां, घर वो घर ही नहीं एक मंदिर भी है, घर वो घर ही नहीं एक मंदिर भी है, मुझको दिला ही नहीं दर्द का कोई भी सिलसिला ही नहीं, कैसे कह दूं कि मुझको दिला ही नहीं दर्द का कोई भी सिलसिला ही नहीं, मुझको ये मंच साहित्य का मंच है, राजनीतिक बातें नहीं होती है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा अपने दिल से खुलकर, किसी की तारीफ या किसी की प्रशंसा करने का कोई विषय नहीं है। दुनिया में या भारत में किसी नौकरी में राजनीति में विधायक बनना, सांसद बनना, मंत्री बनना आसान है, सुखेंद्र सिंह बनना बहुत कठिन है। ये मैं खुद इलाहाबाद रह करके एक बड़ी तैयारी करता हूँ यूपीएससी की, हमारा एक अटेम्प्ट में पेपर नहीं होता तो दूसरा अटेम्प्ट हमको मिलता है, लेकिन आदरणीय सुखेंद्र सिंह बन्ना को 5 साल बाद अटेम्प्ट मिलता है, और जब वो उसमें फेल होते हैं उसका दुख उनको झेलना पड़ता है। उनके लिए एक कविता रामधारी सिंह दिनकर जी की पढ़ूंगा, फिर मैं अपनी कविता पढ़ूंगा कि बरसों तक वन में धूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए और निखर, सौभाग्य सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होना है। अब मैं अपनी रक्षा की ठीक, मैं कहना चाहता हूं कि राज अगर रक्षक की बात करते हैं, आप रक्षक हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि हिंसा की हर चोट का प्रसोद बनी है क्यों नारी, राजनीति के पुरुषार्थ का भोग बनी है क्यों नारी, जो कहलाते थे नारी रक्षक, अरे भक्षण पर क्यों मौन है, अभया के चीरहरण का दुर्योधन कौन है, राजनीति के बंदिश में क्यों सत्ता इतनी मौन है, उस नारी की चरम वेदना जिस पर अत्याचार हुआ, राम राज्य की धारणा में ही कैसा व्यवचार हुआ, उस नारी की चरम वेदना जिस पर अत्याचार हुआ, राम राज्य की धारणा में ये कैसा व्यवचार हुआ, और खुद को कहते परम पुरुष को रावण फिर कौन है, राजनीति के बंदिश में क्यों सत्ता इतनी मौन है, अभया के चीर हरण का दुर्योधन कौन है, अभया के चीर हरण का दुर्योधन कौन है, आंखों में उसने गोल्ड मेडलिस्ट होने का ख्वाब जताया था, और ये लाइन दिल में लग जाए तो जवाब दीजिएगा कि गिद्धों की तरह नोच खाए स्वप्न भरे लोचन को, गिद्धों की तरह नोच खाए स्वप्न भरे लोचन को, कितने आवेदन डाले होंगे तन के तन इस विमोचन को, याद किया होगा हरि को याद संकट मोचन को, याद किया होगा उस पल में कोमल तन के हर खरोचन को, याद किया होगा इस रात्र में ध्रुव तारे के रोचन को, इतने शोर के बाद भी मेरा मन क्यों मौन है, अभया के चीर हरण का दुर्योधन कौन है, राजनीति के बंदिश में क्यों सत्ता इतनी मौन है, अभया के चीर हरण का दुर्योधन कौन है, समय कम है, बहुत कुछ पाना बाकी है, जिंदगी में बहुत कुछ पाना बाकी है, अभी तो जिंदगी का आना बाकी है, जिंदगी में बहुत कुछ
छुपाना बाकी है, अभी तो मेरी जिंदगी का आना बाकी है, अभी तो बस मैं नींव डाल रहा हूँ, अभी तो बस मैं नींव डाल रहा हूँ, इस नींव पे इमारत बनाना बाकी है, इस नींव पे इमारत अपना मन से सत्र सुनन अब की समय अगर हम डाल रहे थे तो दिक्कत कहा गई या अक्षयोग हो जाए, लेकिन एक चतुर्थी करता हम अपने पूरे उत्साह के साथ पढ़े तर तरही गिरत गुणंतर था को डाय कि लुझकुन रहेगा और जो धनक के नाली नर्तन मन हो फाट की जैसे पिएगा क्या कुकुरा हटाकर नफरती पर्दे मोहब्बत ही दिखाती है, वहां की वो हवाएं भी वफाई गुनगुनाती है। हटाकर नफरती पर्दे मोहब्बत ही दिखाती है, वहां की वो हवाएं भी वफाई गुनगुनाती है। मिलाकर अपनी दो बना देती, मिलाकर अपनी दो बेटी को संगम बना देती, मिलाकर अपनी दो बेटी को संगम बना देती, यहाँ की नदी अभी अलकम हमें एकता सिखाती है, यहाँ की नदी अभी अलकम अनुभव धर्म। कार्यक्रम खत्म हो गया दोस्तों, मैं I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, और ऐसे ही आपको मैं मनोरंजन देता रहूँगा और ऐसे ही हम कार्यक्रम आगे कराते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। तो दोस्तों 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, और जैसा मैंने बोला था मम्मी को होटल में जाऊंगा खाना खिलाने के लिए, तो मम्मी ये सब नहीं डाला के फालतू काम ये कौन हुआ तो 2 तारीख को लेके जाऊंगा मम्मी को होटल में, ये स्क्रिप्टेड था, मम्मी को मैंने बोला था ऐसा बोलने के लिए।